कठुआ और देश के कुछ अन्य हिस्सों में बच्चियों से खौफनाक यौन हिंसा की घटनाओं पर सोमवार को कांग्रेस नेता और सांसद कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देश की पूरी जनता को भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा पहचान लेना चाहिए। देश में सर बच्चियों के साथ जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप की कठुआ हो गया, सर सूरत हो गया, क्या गुंडा हो गया, ये तो पिछले 10 दिन बात उभर के आई है, पर जो पिछले साल भर का देखें, कितने इनके मंत्री, कितने इनके नेता बलात्कार से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी घूम फिर के इनका नाम आता है। आज तो सब मैं देख रहा था, कहीं छपा था कि किस प्रकार के कम से कम 20 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कार से जुड़े हुए हैं। तो इनका नाम क्या होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए या बलात्कार जनता पार्टी होना चाहिए, ये अब जनता मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है। वहीं उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर बीजेपी के सियासी नारों को भी आड़े हाथों लिया, जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा के नारों को देश की जनता अब यूं कहती है, मेक इन इंडिया, रेप इन इंडिया, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी छिपाओ, बलात्कारियों से बचाओ, देश बदल रहा है, बेटियों के साथ रोज रेप हो रहा है, स्टार्टअप इंडिया, रोज ब्रेक हो रही बहन बेटियां, अब की बार नारी की इज्जत रोज हो रही तार तार। कमलनाथ के इन बयानों के बाद अब देखना ये होगा कि बीजेपी पर दिए इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी कब तक पलटवार करती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।